जनपद मैनपुरी में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई गई ईद। ईदगाह में हजारों की संख्या में मुस्लिम भाइयों ने अदा की नमाज। देश में अमन चैन बरकरार रखने की मांगी अल्लाह ताला से दुआ। मैनपुरी में दिखी हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की अनोखी मिसाल। राजनीतिक गलियारों में भी ईद को लेकर देखा गया उत्साह। जिला प्रशासन की तरफ से किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ कराई गई नमाज अदा। जनपद की समस्त राजनीतिक पार्टियां, समाजवादी पार्टी, बसपा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण मस्जिद के बाहर मुस्लिम भाइयों से मिलने पहुंचे। एक दूसरे से मिलकर दी ईद की मुबारकबाद। ईद मिलन समारोह के दौरान ईदगाह पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने दी मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभकामनाएं। ईद की नमाज के दौरान ड्रोन कैमरे से की गई निगरानी। ईदगाह के बाहर राजनीतिक पार्टियों ने लगाए अपने अपने टेंट। मुस्लिम भाइयों के लिए की गई ठंडे पानी और शरबत की उचित व्यवस्था। ईद उल फितर के अवसर पर बताई गई नमाज की अहम विशेषता। तमाम मस्जिदों में आज ईद की नमाज अदा की। इस तरह इसकी विशेषता और मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आपको पहले तो ईद उल फितर की आपको दिल की गहराइयों से आपके चैनल के माध्यम से सबको, ये पूरे शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मुबारकबाद। ये ईद उल फितर जो त्यौहार है हमारा, ये एक महीने की इबादत का हम लोग भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसके लिए जो थोड़ा सा नमाज पढ़ी जाती है, ये भगवान का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि भगवान ने हमें साथ तरीके से एक महीने का मौका दिया इबादत करने का, उसकी खुशी हुई हम लोग ईद उल फितर। अल्लाह ताला से क्या दुआ मांगते हैं? अल्लाह ताला ये दुआ मांगते हैं अपने गुनाहों की के बख्शिश की दुआ मांगते हैं, जो हमने गुनाह किए उसकी माफ़ी मांगते हैं, और हमारे मुल्क में अमन अमान रहे, हम लोग आपसी भाईचारा बना के रहे। ये हम लोग का ये और वो तरीका है। मस्जिदों में नमाज अदा कराई गई है, और सर क्या कहेंगे मुस्लिम भाइयों के लिए? देखिए, जनपद में सभी स्थानों पर ईद की नमाज अदा की गई है, और इस समय हम इधर कोतवाली थाना क्षेत्र के आगरा गेट पुलिस चौकी पर मौजूद हैं। यहाँ भी ईद की नमाज सबकल संपन्न हुई है। जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में ईद हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। प्रशासन की तरफ से सफाई की, पानी की, बिजली की सभी व्यवस्थाएँ पुख्ता रखी गई। ईद के इस अवसर पर सभी को मुबारकबाद देता हूँ और सभी के लिए शुभकामनाएं। ये बड़े हर्षोल्लास से मनाई गई, क्या कहेंगे? आज हमारे जो मुस्लिम समाज के मुस्लिम भाई हैं, पहले तो सभी भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग तो अभी 30-35 साल से यहाँ हमेशा इन लोगों को शुभकामना देते हैं, भाईचारा बना के हम लोग चलते हैं। यहाँ सभी भाइयों से हमारा जो है बहुत प्रेम चला आ रहा है, आज भी जो है वही सब कंटिन्यू चल रहा है। ये पावन पर्व जो ईद है, ये क्या संदेश देता है हिंदू और मुसलमान भाइयों को? सद्भावना और एकता का। हम लोग सब लोग भाईचारा बना के चले, और समाज में जो है एकता कायम हो। तो शक्तियाँ ऐसी हैं जो विघटन कराना चाहती है हम लोगों में, उन लोगों को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, और कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। मिलन समारोह है, बड़ा हर्षोल्लास से मुस्लिम और हिंदू एक होकर जो है एक दूसरे के गले मिलते हैं। सर क्या कहेंगे? ये सदियों से ये ईद और जो भी त्यौहार हिंदू मुस्लिम के होते हैं, वो आपस में मेल मिलाप करके आज ईद उल फितर, आज ईद है, और हिंदू मुस्लिम सदियों से ये दोनों लोग मिलकर त्यौहार मनाते आए हैं। भाई, ये गंगा जमुनी तहजीब का ये देश है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सारे लोग आपस में इस देश में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, गले मिलते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। ये देश सबका है, और समाजवादी लोग सारे जातों धर्म के लोगों को मानते हैं। तो आज ईद उल फितर के इस मौके पर समाजवादी पार्टी मैनपुरी सारे मुस्लिम भाइयों को शुभकामना देती है, बधाई देती है। वधू वेडिंग प्लाजा
जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वियर साड़ियां एंड ड्रेसेस। कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध है। बस आपको बढ़ाना है एक कदम, जो जाता है वधु वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधु वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधु वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।